गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। आज हम आपको हिंदी साहित्य का इतिहास के बारे में जानकारी देना चाहते हैं। हिंदी साहित्य का इतिहास 1000 वर्ष पुराना है। हिंदी साहित्य का इतिहास 1000 वर्ष पुराना है, जिसमें हिंदी साहित्य का समय, काल का शाब्दिक अर्थ होता है समय, समय के अनुसार विभाजित हुआ, समय के अनुसार विभाजित हुआ, जिसमें पहले नंबर में आज का या वीर गाथा का जो 1050 से 1375 तक चला, जिसमें अधिकांश रचनाएं वीर रस में की गई, जिससे राजाओं के हृदय में वीर रस का उत्साह नामक अस्थाई भाव जागृत हो। जैसे पृथ्वीराज चौहान का उत्साह बढ़ाने के लिए वीर रस में चंद्रवरदाई बोला कि 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण अताल ऊपर सुल्तान है अब न चूक चौहान। और इसी के दोहे को सुन करके मोहम्मद गोरी को आंख से सूर होने पर भी पृथ्वीराज चौहान ने बाण मारा और मोहम्मद गोरी को लग गया। वीर गाथा काल में वीरता को बढ़ाने के लिए, उत्साह को बढ़ाने के लिए रचनाएं अधिकांश की गई। इसके बाद बच्चों भक्ति काल का आगमन होता है 1375 से 1700 तक। 1700 तक जिसमें भक्ति काल में कवियों में दो धारा बटी, एक पहले नंबर में सगुण भक्ति शाखा और दूसरे में निर्गुण शक्ति भाषा। निर्गुण भक्ति शाखा के प्रमुख कवि मलिक मोहम्मद जायसी, जिन्होंने पद्मावत महाकाव्य को लिखा। सगुण भक्ति शाखा में प्रमुख कवि तुलसीदास जी ने रामचरितमानस महाकाव्य लिखा। और कृष्ण भक्ति शाखा में सूरदास ने सूर सागर, सूर सारावली, साहित्य लहरी आदि महाकाव्यों की रचना किया। इसके बाद रीति काल का आगमन होता है। रीति काल के कवि प्रमुख भूषण सूदन लाल बिहारी अदेव मतिराम कहिए भिखारी, ये प्रमुख कवि और इनका अवलोकन करके आगे साहित्य जगत में
और कवियों ने रचना किया। इसके बाद 1700 से 1900 तक रीत काल किया चला। रीत काल में अधिकांश रचनाएं श्रृंगार रस और वीर रस में की गई। जिस प्रकार से कविभूषण महाराज शिवा जी को उत्साहित छत्रसाल को करने के लिए उन्होंने लिखा है सारे वर्णन वीर रस में, साज चतुरंग सेन अंग उमंग धन सरजा शिवाजी जंग जीतन चलत है। साज चतुरंग सेन संग अंग उमंग धन सरजा शिवाजी चलत हैं। जिस जहां पर एक ही शब्द की आवृत्ति बच्चों बार बार होती है, जहां पर एक ही वर्ण की आवृत्ति जो वर्ण मिलकर के शब्द को बनाते हैं, तो एक ही वर्ण की आवृत्ति आती है, वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। इसलिए आप मान सकते हैं, कह सकते हैं कि साज चतुरंग सेंग संग उमंग धर सरजा शिवाजी जंग जीतन चलत है, ये अनुप्रास अलंकार का उदाहरण भी है। इसके बाद रीत काल के बाद आधुनिक काल 1900 से अब तक, लेकिन बीच में एक नई कविता काल का उदय हुआ जो 1950 से माना जाता है। तो आज आधुनिक, आज के आधुनिक काल के कवियों लेखकों के बारे में इस प्रकार से रचना हुई। और साहित्य का आगे विकास हुआ, इसलिए कवियों के बारे में साहित्यकारों ने लिखा कि सूर सूर तुलसी शशि, सूर सूर तुलसी शशि उदगण केशव दास आजकल के कवि खद्योत संग जहां तहां प्रकाश करत प्रकाश। पुनः सुनेंगे, सूर सूर तुलसी शशि उदगण केशव दास आजकल के कवि खद्योत सम जहां तहां करत प्रकाश। इस प्रकार से हिंदी साहित्य का विकास हुआ। पुनः से एक बार बच्चों, पहला साहित्यकाल वीर गाथा का, दूसरा भक्ति का, जिसकी दो शाखाएं सगुण भक्ति शाखा और निर्गुण भक्ति शाखा, ठीक, और तीसरा रीति काल और चौथा आधुनिक काल जो 1900 से प्रारंभ, उसी में नई कविता का काल 1950 से माना जाता है। ठीक है।